रेल किराए में मिल सकती है 50% की छूट। संसदीय समिति ने रेल मंत्रालय से की गुजारिश। जाने किन लोगों को मिलेगा फायदा। ट्रेन से सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब एक गुड न्यूज है। ट्रेन के टिकट पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट एक बार फिर से बहाल की जा सकती है। इसके लिए एक संसदीय समिति ने सरकार से आग्रह किया है। बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने ट्रेन में यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को बहाल करने पर रेल मंत्रालय से विचार करने का आग्रह किया है। रेल टिकट किराए में एक बार फिर से वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट मिल सकती है। वरिष्ठ नागरिकों को पहले भी इस तरह की छूट मिलती रही थी, लेकिन मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान इसे वापस ले लिया गया था। अब एक बार फिर से इसे बहाल करने की मांग उठ रही है। इसमें स्लीपर क्लास थर्ड एसी में वरिष्ठ नागरिकों को फिर से टिकट किराए में मिलने वाली छूट को बहाल करने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में सोमवार को पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने कहा कि भारतीय रेलवे 60 साल या उससे ज्यादा आयु के पुरुषों को किराए में 40% की छूट देता था और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होने पर 50% की छूट मिलती थी। अगर रेल मंत्रालय इस अपील पर विचार करता है तो सीनियर सिटीजन को एक बार फिर से छूट मिल सकती है। संसदीय समिति का कहना है कि रेल मंत्रालय को कम से कम स्लीपर क्लास और थर्ड एसी क्लास में इस छूट को फिर से बहाल करने पर विचार करना चाहिए। ऐसा करने से कमजोर और वास्तविक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें, रेल टिकट में वरिष्ठ नागरिकों को ये रियायतें सभी मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेनों में मिलती थी। ट्रेन टिकट के किराए में मिल रही इस छूट को कोरोना काल के दौरान रेलवे ने वापस लिया था, जिसके बाद से लगातार ये मांग उठाई जा रही कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को फिर से बहाल किया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 20 मार्च 2020 को वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में दी जा रही 50% की छूट को वापस लिया गया था। इसमें कहा गया था कि समिति ये पाती है कि कोविड प्रतिबंध अब खत्म हो गए हैं और रेलवे ने सामान्य वृद्धि प्राप्त कर ली है। समिति ने कहा कि वो मंत्रालय से आग्रह करती कि स्लीपर क्लास और थर्ड एसी क्लास में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट पर फिर से विचार करे और उसे दोबारा शुरू किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।